स्वास्थ्य के प्रति जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं जिला बिलासपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नमहोल में एक वर्ष से दंत चिकित्सक का पद खाली पड़ा हुआ है और लाखों रुपए की मशीनें धूल फांक रही हैं और खराब होने की कगार पर हैं और काफी समय से दंत चिकित्सक का कमरा बंद पड़ा है, जिससे दंत चिकित्सक के मरीजों को इलाज के लिए हजारों रुपए खर्च करके या तो शिमला का रुख करना पड़ता है या बिलासपुर जाना पड़ता है। पांच पंचायतों के केंद्र बिंदु वाले स्वास्थ्य केंद्र में ही अगर पद काफी समय से खाली चले हो तो और स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या स्थिति होगी। लेखराम, शोभाराम, संतोष कुमार, मदनलाल, हेमराज, यशपाल, राजपाल, शेर सिंह, कृष्णलाल, अशोक कुमार, जियालाल, अशोक सोनी इत्यादि ने बताया कि एक वर्ष से कोई भी दांतों का डॉक्टर यहां पर नहीं है, जिससे उन्हें काफी समस्या होती है। हैरान करने वाली बात ये है कि इस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 100 मीटर के दायरे में चार स्कूल आते हैं और रोजाना दांतों की दिक्कत के मामले भी बच्चों में देखने को मिलते हैं, जिस कारण दांतों के मरीजों को प्राइवेट क्लिनिक में चेक करवाने पड़ते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द नमहोल स्वास्थ्य केंद्र में खाली पड़ा पद दंत चिकित्सक का भरा जाए। प्रदेश की जयराम सरकार जहां ग्रामीणों व शहरी इलाकों तक पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का दावा करती है, तो वहीं इन दावों को धरातल पर उतारने के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग विभिन्न स्कीमों के तहत पानी के टैंकों का निर्माण करता है, मगर वहीं अब विभाग के एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जी हाँ, मैना देवी से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने अपने हल्के में स्थित सिकरोहा पंचायत के पंचहेली गांव में आईपीएच स्कीम के तहत बने पानी के टैंक पर छत न होने के चलते टैंक में मरा हुआ खरगोश मिलने की बात कही। पानी के टैंक का एक वीडियो शेयर करते हुए रामलाल ठाकुर ने इस लापरवाही से पूरी पंचायत में महामारी फैलने की आशंका जताई है। वहीं आगामी विधानसभा सत्र के दौरान रामलाल ठाकुर ने इस मुद्दे को सदन में उठाने का दावा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह की लापरवाही के खिलाफ कड़ा संख्या लेने और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं रामलाल ठाकुर का कहना है कि इससे पूर्व भी भाखड़ा पंचायत में पीने के पानी के टैंक पर छत न होने के चलते एक मरा हुआ बंदर और कौवा मिल चुका है, जिसके बाद ये मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया था। आईपीएच मंत्री द्वारा सभी पानी के टैंकों पर छत लगाने के आदेश भी दिए गए थे, बावजूद इसके आईपीएच विभाग बिलासपुर के अधिकारियों की नींद नहीं खुली और पीने के पानी की स्कीम के तहत बनाए गए टैंक के ऊपर छत न होने के चलते एक मरे हुए खरगोश के मिलने का मामला सामने आया है। निर्वासन का जीवन जी रहे तिब्बत समुदाय के युवा भी अब सरकारी अफसर बन पाएंगे। देश भर में रह रहे इस समुदाय के युवा अब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा देकर सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाएं दे सकेंगे। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नौकरी के लिए वही तिब्बती मूल के युवा पात्र होंगे जिनके माता पिता जनवरी 1962 से पहले भारत आ गए थे और तब से स्थायी रूप से यहीं रह रहे हैं। हालांकि अन्य स्तरों के लिए तो तिब्बती युवा पात्र होंगे, लेकिन IAS व IPS के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्नीस में तिब्बत से भारत आने के बाद इन्हें सरकार से मतदान का अधिकार हासिल करने के साथ इनके पास शरणार्थी का दर्जा भी है। शरणार्थी तिब्बती धर्मशाला की निर्वासित तिब्बत सरकार को चुनते हैं और अपने कार्यों को चलाने के लिए अपनी अलग व्यवस्था भी है और कई तिब्बती युवा निर्वासित सरकार की प्रणाली के तहत चयनित होकर अपनी सरकार में सेवाएं देते हैं। ये पहली बार है कि उन्हें भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में पात्र माना गया है। विश्व में 60 लाख तिब्बती शरणार्थी थे। अधिकतर तिब्बती समुदाय के लोगों ने भारत की नागरिकता नहीं ली है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर वे भारत की नागरिकता लेते हैं तो उनका शरणार्थी का दर्जा खत्म हो जाएगा और तिब्बत की स्वतंत्रता की लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 1959 से 1985 तक भारत में पैदा होने वाले मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का अधिकार दिया गया है। इसके मिलने के बाद
कुछ शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं। 2017 में करीब 360 तिब्बती शरणार्थियों ने अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करवाकर मतदाता पहचान पत्र बनाए हैं। ये फैसला स्वागत योग्य है। तिब्बती युवाओं को अब भी सरकारी क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। तिब्बती युवाओं को भी चाहिए कि वे इस क्षेत्र में आगे आएं। मत का अधिकार देने के बाद ये एक बड़ा निर्णय समुदाय के लिए फायदेमंद होगा।